हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एसी ब्रिजेस के बारे में बताया था, राइट। उसमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज बता दिया था और मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज क्या करता है और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डील कर दिया था कि ये कैसे वर्क करता है, राइट। तो अब देखते हैं, इस क्लास में भी हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज ही पढ़ेंगे, मतलब मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस का के बारे में ही देखेंगे, लेकिन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का डिफरेंट फॉर्म, राइट। कहने का मतलब है, लास्ट क्लास में हमने इंडक्टेंस के थ्रू ब्रिज को बैलेंस किया था, इस क्लास में हम लोग इसको कैपेसिटेंस के थ्रू बैलेंस करेंगे, राइट। चलो देखते हैं कि फिर ये कैसे वर्क करता है। हमारा टॉपिक वही है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है। मैक्सवेल मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, राइट। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, लेकिन इसमें जो हमारा बैलेंसिंग एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? कैपेसिटेंस। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, राइट। इसका पूरा नाम क्या है? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अब देखेंगे हम लोग कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या चेंज है और विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। देखो, पहले ये हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज ऐसा ही था, इस वाले एलिमेंट में ये रहा हमारा R3 और ये रहा हमारा ये कैपेसिटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? कैपेसिटेंस ब्रिज, राइट। कैपेसिटर यूज करेंगे, इसलिए ये कैपेसिटेंस ब्रिज। और इस एरो मार्क का क्या मतलब होता है? कि ये कैपेसिटर जो है आपका वेरिएबल है, राइट। ओके, ठीक। तो अब देखोगे, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया हुआ था आप लोगों को, उसमें क्या बताया, क्या चेंज उस सर्किट और इस सर्किट में क्या चेंज है? उस सर्किट में यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे आर और एल दोनों था, जो कि स्टैंडर्ड था। मतलब कहने का मतलब उसको वैरी करके हम ब्रिज को बैलेंस करते थे, राइट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको वैरी करेंगे। यहाँ पे जो ये C4 है और ये R4 है, इसको वैरी करके हम लोग ब्रिज को बैलेंस करेंगे, राइट। जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डिटेक्टर कह लो या फिर गैल्वेनोमीटर कह लो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जस्ट टू एंश्योर कि हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। अब बैलेंसिंग का कंडीशन भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था, वो कंडीशन अभी इस वाले में भी उतना ही वैलिड रहेगा जितना पीछे वाले में था, ठीक है। ये हो गया हमारा EMF, ठीक है। चलो देख रहे हो, यही है। और मान लिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा है, क्लियर। चलो अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखो, ध्यान से समझो। पहले मैंने आप लोग को हमेशा से क्या बताया हुआ है, इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है? जैसे पिछले बार वाले सर्किट में भी अननोन क्वांटिटी यही दोनों था, R1 और L1। इस बार इसमें भी हमारा R1 और L1 ही अननोन क्वांटिटी है, राइट। और इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड कैपेसिटर है और स्टैंडर्ड रेसिस्टर है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया हुआ था कि कोई भी ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब इस ब्रांच का एलिमेंट, इस ब्रांच का इम्पीडेंस और इस ब्रांच का इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ब्रांच के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो हमारा ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है। सो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर बैलेंसिंग, मतलब अगर बैलेंसिंग नहीं लिखते, मतलब फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड हमारे पास क्या कंडीशन था? ये सब मतलब ये मैंने क्या बताया हुआ कि हर एक ब्रिज में यही यूज होगा, ठीक है। तो ब्रिज, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? Z1, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पीडेंस है, मान लिया, उसको हम क्या बोलते हैं?
जेड टू, यहाँ पे जो इम्पीडेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं जेड फोर, और यहाँ वाले का हम लोग क्या मानते हैं जेड थ्री। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू लिखेंगे। पहले देखो, ब्रिज को बैलेंस होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन चाहिए था, जेड वन इंटू जेड फोर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जेड टू इंटू जेड थ्री। क्लियर है, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये हर एक ब्रिज के लिए रहेगा, थ्रू आउट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जेड वन का वैल्यू निकालते हैं। तो जेड वन हमारा क्या है, ये है, ठीक है, ये रहा। तो अब देखो, ये आर वन और ये एल वन आपस में क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस कितना है आर वन, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे आर वन। और मैंने हमेशा से आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जब भी एसी सर्किट रहेगा तो एल को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा एल से, और अगर सी रहेगा तो उसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, वन बाई ओमेगा सी से, और जे तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बता ही रखा है मैंने। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एल वन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जे ओमेगा एल वन, राइट। इसी तरीके से जेड टू, तो जेड टू में क्या है, ओनली आर टू है, ना एल है ना सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू। जेड थ्री में आपका क्या हो जाएगा, जेड थ्री में है क्या आपके पास, ओनली आर थ्री है, ना सी है और ना ही एल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर थ्री हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, जेड फोर, जेड फोर में देखो आपके पास क्या है, सी फोर भी है और आर फोर भी है, और दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, वन बाई जे ओमेगा सी फोर। ठीक है, मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर C है तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ऐसे। तो यहाँ पे C4 था तो उसको क्या रिप्लेस करेंगे, J ओमेगा C4, राइट। तो ये समझ आ गया होगा कैसे किया। अब ये किसके पैरेलल में है, तो ये आपके R4 के पैरेलल में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R4, राइट। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कैसे किया, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने बैलेंसिंग का कंडीशन अप्लाई किया है, फिर जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर सबका वैल्यू निकाल लिया, राइट। तो अभी तक यही किया है। अब ये कैसे किया, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, होप सो सबको क्लियर होगा। जस्ट आज का जो डिस्कशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन हमारे पास है, वो इसको फाइंड आउट करना है कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट अब मैं रब कर रहा हूँ, इसका कोई काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट ये समझ लो कि ये आपका सर्किट है और इसमें जो है अननोन क्वांटिटी ये आर वन और एल वन है, और ये सी फोर आर फोर हमारा बैलेंस, इसको वैरी करके हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे, राइट। चलो जस्ट अ सेकेंड, एक बार रब कर लें दो मुझे। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसके लिए। ठीक है, अब एक सेकेंड। ठीक है, चलो अब इसके बाद इधर देखते हैं हम लोग, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज ना कर जाओ, ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, तो देखो Z4 था, तो Z4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो दोनों पैरेलल में था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन बाई जेड फोर। क्लियर है, ऐसे करते हैं ना, मतलब जैसे मान लो ये दो रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में है, आर वन आर टू पैरेलल में है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वन बाई आर प्लस वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, यही तो करते हैं। तो इसमें भी तो यही करेंगे, जैसे ये दोनों आपका पैरेलल में है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई जेड फोर इज इक्वल्स टू वन वन बाई जे ओमेगा सी फोर। समझ आया कैसे किया, ये होल पूरा क्या है, एक रेसिस्टेंस है ना, तो इसीलिए ये वन बाई पूरा होल, ये पूरा, ठीक है, प्लस वन बाई आर फोर, उधर तो रेसिस्टेंस है ओनली, तो आर फोर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये जे ओमेगा सी फोर ऊपर चला जाएगा, तो जे ओमेगा सी फोर प्लस वन बाई आर फोर, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर फोर, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है, वन और आर फोर का एलसीएम कितना हो जाएगा, आर फोर हो जाएगा ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये तो सिंपल है, जे ओमेगा सी फोर इंटू आर फोर प्लस वन। क्लियर,
कुछ नहीं किया है, सिंपली एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास 1/Z4 का ये वैल्यू आया, माइंड दिस, ठीक है। ये Z4 का वैल्यू नहीं आया, ये हमारे पास किसका वैल्यू आया है, 1/Z4, ठीक है। लेकिन हमें किसका रिक्वायरमेंट है, हमें Z4 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग Z4 क्या लिख सकते हैं, तो Z4 हमारा क्या हो जाएगा, R4 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा C4 R4 +1। होप सो सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे किया, ठीक है। जस्ट ये दोनों पैरेलल था तो उसको पैरेलल में सिंप्लीफाई कर दिया है और ऐसे लिख दिया है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इसको हटा करके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा करके ये वाला पुट करता हूँ। तो हमारे पास Z4 का क्या वैल्यू आ गया, R4 जे ओमेगा C4 R4 +1, क्लियर है, बस हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें भी अभी ये भी मुझे बताना था कि मतलब ये वाला सर्किट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार डेरिवेशन समझ लो आप लोग, अच्छे से समझ लो, उसके बाद वो भी मैं बताऊंगा। फिर अभी इसमें फेजर डायग्राम भी बताना है, वो भी बताना है बाकी अभी, ठीक है, पहले ये देख लो, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, Z1 का वैल्यू कितना है ये, तो इस वाले ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन सब का इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन कैसे यूज करना है, मतलब कि Z1 के हम जगह पे हम क्या पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में 2, 3, 4, 5 का वैल्यू रख के पुट कर, मतलब आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो Z1 का वैल्यू कितना है, R1 प्लस जे ओमेगा L1, राइट। Z4 का वैल्यू कितना है, R4 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा C4 R4 +1, क्लियर है ना। और ये किसके इक्वल है, Z2 Z3 के। Z2 का वैल्यू कितना है, R2, और Z3 का वैल्यू कितना है, R3। एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको किधर भेज देंगे, इधर। तो ये कितना हो जाएगा, R1, मतलब यहाँ से R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, तो इधर पहले से है। अब ये क्वांटिटी किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो R2 R3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं लिख ही देता हूँ, ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। R2 R3 इनटू, देखो 1 इनटू ये होल, ये पूरा क्वांटिटी, जैसे 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे कितना, जे ओमेगा C4 R4 +1, क्लियर है, सिंपल। अब उसके बाद जो हम लोग करते आए हैं, इमेजिनरी टू इमेजिनरी और रियल टू रियल इक्वेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे R2 R3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा C4 R4 R2 R3 +1 इंटू R2 R3, ये कितना हो जाएगा, R2 R3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर रब कर देता हूँ, इधर का कोई काम नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, चल ठीक है। अभी यहां के बाद मैं फिर एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, सो दैट की दिक्कत ना हो, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो इधर में रियल पोर्शन कौन सा है, ये R1 इंटू R4, और इधर में रियल पोर्शन क्या है, R2 इंटू R3, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, और मुझे वैल्यू किसका चाहिए था, R2 का। तो देखो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा R1 R4 डिवाइडेड बाई R3। होप सो सबको समझ आ गया होगा ये कैसे हुआ, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये R2 का वैल्यू आ गया। अब इसको मतलब इमेजिनरी टू इमेजिनरी अगर हम इक्वेट करें, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा,
ओमेगा एल वन आर फोर इज इक्वल्स टू ओमेगा सी फोर आर फोर आर टू आर थ्री। तो ये देखो, ये आर फोर से आर फोर कैंसिल, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए था, एल वन का वैल्यू चाहिए था, तो एल वन का वैल्यू कितना हो जाएगा आर टू आर थ्री सी, ठीक है। यही था तुम्हारा, यही है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हमारे फाइनल, ये और ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। अब देखो, दो ब्रिज मैंने बता दिया आप लोगों को, दोनों सिंपल था अभी तक तो, बिल्कुल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। जस्ट अभी दोनों में क्या क्या मिसिंग है, एक तो फेजर डायग्राम मिसिंग है, ठीक है, और मतलब ये मिसिंग है कि भाई हम ये वाला ब्रिज क्यों यूज करें, जब हमारे पास पहले एक ब्रिज था तो इस ब्रिज को हम क्यों यूज करें, ठीक है, इसका मेरिट और डिमेरिट, राइट। अदरवाइज इसमें, इस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में अब आपको और कुछ भी नहीं है, एग्जाम में अगर आने वाला है तो यही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, राइट। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगले मंडे तक मिलेगा, ठीक है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को। मुझे मालूम है चार टॉपिक का नोट्स अभी रह रहा है, दो टॉपिक पिछले वाले का और दो टॉपिक इस चैप्टर का, राइट। अदरवाइज टोटल नोट्स कंप्लीटेड है आप लोग के पास, ठीक है, होप सो सबको समझ आया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक दो बार और वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।